हेलो गाइस, वेलकम टू हिमालयाज वर्ल्ड। आज के वीडियो में मैं गुड वाइब्स के दो जेल्स का रिव्यू देने वाली हूँ। गुड वाइब्स एक अफोर्डेबल ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और इसमें स्किन केयर से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गुड वाइब्स के दो जेल्स, पहला एलोवेरा जेल एंड दूसरा है नीम एंड तुलसी जेल। तो पहले एलोवेरा जेल की बात करते हैं। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, कुछ फाइबर की का ये कंटेनर है। इसका अपर साइड गोल्डन है। इसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम्स। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स में पैराबेंस, सल्फेट्स और मिनरल ऑयल्स नहीं होते हैं। ये प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री होते हैं। इसका प्राइस है 215 रुपीज़। जब मैंने ये ख़रीदा था तो इसमें मुझे ये हाफ प्राइस में मिला था, क्योंकि उस टाइम सेल थी। इफ़ यू बाय 5 प्रोडक्ट्स यू विल गेट फ्लैट 50% ऑफ। सो मुझे ये जेल्स आधे दाम पे मिले थे। इसके ऊपर एक ये भी लिड होता है, आप देख सकते हैं ये लगभग पूरा फिनिश होने वाला है। इसको पहले मैंने अपने फेस पर ट्राई किया था, फिर उसके बाद मैंने एक हेयर मास्क में इसको ऐड किया था। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है और अब मैं इसको एज अ कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। तो एलोवेरा वैसे तो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए और हेयर के लिए, बट फ्रेश एलोवेरा का कोई कंपेरिजन नहीं होता है। मैं मोस्टली डायरेक्ट प्लांट से एलोवेरा जेल निकालती हूँ और उसी को यूज़ करती हूँ। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक अच्छा ब्रांड है। नेक्स्ट जेल है नीम एंड तुलसी जेल। इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम्स। अगेन ये पैराबेंस, सल्फेट्स और क्रुएल्टी फ्री है। इसका प्राइस है 175। ये भी मुझे हाफ प्राइस में मिला था। ये जेल कुछ ऐसा दिखता है, ग्रीन कलर में है। इसको मैं अपने नाइट रूटीन में यूज़ करती हूँ और ये स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस जेल को मैं आधे से ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। रात के टाइम फेस वॉश करने के बाद मैं डायरेक्ट इसको अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेती हूँ। एक थोड़ा मोटी लेयर देती हूँ जिससे कि ये थोड़ी देर बाद स्टिक हो जाए। इसको यूज़ करने के बाद मेरे पिंपल्स की प्रॉब्लम तो बहुत कम हो गई है। तो ये था मेरा रिव्यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू सो मच, बाय।